सत्य स्वरूप में। शक्तिशाली स्वरूप में। ज्ञान युक्त, योग युक्त, गुण संपन्न स्वरूप में। भ्रुकुटी के मध्य स्थित हो जाए। विमर्श करें अपने आदि संस्कारों को, पवित्र संस्कारों को। द्वापर में मंदिर।
कलयुग के इस अंतिम प्रहर की दुख वेदना पीड़ा को जहां सर्वात्माएं क्षण भंगुर खुशी के लिए धन के लिए तन मन और संबंध के सुखों के लिए हमारा आह्वान कर रही है, पुकार रही है। ध्यान से सुने, और अपने अंतर के रहम भाव को इमर्ज करें। अपने स्वधर्म को भूलने के कारण शक्ति विहीन होने के कारण देहभानवश हुए कर्मों के कारण अज्ञानता के कारण जो और अंधकार है
महसूस करे कि स्वयं ज्ञान सो रहे है। बिल्कुल मेरे साथ, मेरे सामने। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। Thank you.
जीवन अच्छा अपनी शक्तियों द्वारा मेरे अंतर को प्रेरित कर रहा है जिसे कह रहे हैं शिव बाबा मुझे कि आज इन सर्वात्माओं के भंडार भरपूर कर दो। इमर्श करें अपने महालक्ष्मी स्वरूप को और अपनी दृष्टि से सर्वात्माओं की अंतर की सृष्टि बदल दे। सर्व के मन में, सर्व की वृत्तियों में दिव्यता भर दे। अपने हाथों से इतनी दुआएं दे कि ये दुआएं, ये वरदान सर्व मनुष्य आत्माओं के तन के और संबंधों के दुख को, दर्द को खत्म कर दे। जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से।